बरसों से पहलवानी को समर्पित एक व्यक्तित्व है और वर्तमान में जिला झज्जर कुश्ती संघ के प्रधान भी हैं, उनसे चर्चा करेंगे। पहलवान जी, हाल ही में एक विषय आया है कुश्ती को लेकर के, एक ऐसी घटना हुई है जिसने कुश्ती जगत को हैरान कर दिया है, परेशान कर दिया है। प्रत्येक वो कुश्ती प्रेमी जो कुश्ती के माध्यम से पहलवानों में अपना भविष्य देख रहा था, आशंकित नजर आया है। एक ऐसी घटना जिसने सबको झकझोर दिया है, भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए आप आने वाले पहलवानों को, अपने साथियों को और कोचों को अपने अनुभव के आधार पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए संजय भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है, कुश्ती के लिए बड़ी शर्मनाक बात है जो कि कुश्ती जगत को ये कभी ऐसा काला दिन देखने को नहीं आया था। तो काला दिन इसलिए है, जो कुश्ती के करवाने वाले हैं कुश्ती को आघात पहुंचाने लगे, तो कुश्ती शर्मसार होना निश्चित है। और इसमें दो बात आई थी कि नए नए थे, उन्होंने थोड़ा सा लेन देन के ऊपर भी और एक दूसरे खींचातानी में थोड़ा स्वार्थ सा था, और स्वार्थ में कोई भी काम दुखदायी होता है। ये कुश्ती एक सेवा का माध्यम है, ये स्वार्थ का सिस्टम नहीं है। इसलिए अगर हम इस कुश्ती को सेवा मान के इसकी सेवा करेंगे तो कभी भी ऐसी घटना घटने को नहीं आएंगी। थोड़ा उनका स्वार्थ और स्वार्थ के बस होकर वो नदान हमारे कोचित साहिबान थे, पहलवान थे, इस घटना को अंजाम दे गए। इसलिए हम उनके प्रति संवेदना और उनके प्रति हम एक दुख भी एक व्यक्त करते हैं, और आने वाले समय में ऐसी घटना ना घटे इसके लिए हम सभी कोचिज साहिबान हरियाणा और देश प्रदेश के सभी कोचिज को, अखाड़ांचार और कोचिज साहिबान को भी, पहलवानों को भी ये एक मैसेज देना चाहते हैं, आप इस स्वार्थ के सिस्टम से हटकर सेवा के माध्यम से काम करोगे तो आने वाले समय में निंदा आपको देखने को नहीं मिलेगी। धन्यवाद। चीज और है, कुश्ती का क्रेज बढ़ता जा रहा है, कुश्ती की ख्याति बढ़ती जा रही है, कुश्ती प्रोफेशनल होती जा रही है, कुश्ती की लीग शुरू होती है, कुश्ती का बढ़ता प्रभाव खड़ी हो रही है।